नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किशोरियों की किशोरावस्था की समस्याओं के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जब किशोरियां बचपन से जवानी की ओर कदम रखती हैं तो उनके शरीर में भी कई प्रकार के शारीरिक बदलाव आते हैं, जैसे उनका कद बढ़ने लगता है, शरीर के अंग भर जाते हैं, स्तन उभर जाते हैं, नितंब गोल हो जाते हैं। ऐसे समय में किशोरों के मन में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है, जिससे उन्हें जननांगों का घर्षण करने से आराम मिलता है। किशोरियों के नहाते समय टाइट कपड़े पहनने से या साइकिल आदि चलाते समय जननेंद्रियां अपने आप उत्तेजित हो जाती हैं। कुछ किशोरियां अपनी जननेंद्रियों को हाथ से रगड़कर या योनि मार्ग में उंगली डालकर संतुष्टि करती हैं। इस क्रिया को लड़कियों की हस्त मैथुन क्रिया कहते हैं। किशोर और किशोरियों की हस्त मैथुन क्रिया में एक अंतर होता है कि किशोर उत्तेजना की आखिरी सीमा पर पहुँच कर वीर्य को बाहर निकालते हैं, लेकिन किशोरियों की योनि में से ऐसा कोई स्राव नहीं निकलता, लेकिन इस क्रिया को करने से आनंद उन्हें भी बहुत अधिक मिलता है। हानिकारक, किशोरियों के मन पर भी हस्तमैथुन करने का बहुत बुरा असर पड़ता है। किशोरियों के मन में भी इस क्रिया को करने से पाप, शर्मिंदगी आदि महसूस होने लगती है और वह हर पुरुष से खिंची खिंची रहने लगती हैं। इसके अलावा बहुत सी किशोरियां इस क्रिया को करने के लिए नकली चीज़ों को योनि के अंदर डालकर प्रयोग करती हैं। योनि मार्ग के बहुत कोमल होने के कारण कठोर चीज़ों को इसके अंदर जाने से योनि में जख्म हो सकता है या सूजन आ सकती है। गलत यौन संबंध, आज के समय स्त्रियों में हर कदम पर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उन्हें समाज में पुरुष के समान अधिकार दिए जा रहे हैं, उन्हें पूरी तरह स्वतंत्रता दी जा रही है, लेकिन इस स्वतंत्रता को बहुत सी स्त्रियां गलत तरीके से प्रयोग कर रही हैं और अपनी मर्यादा को भूलकर पुरुषों के साथ गलत संबंध बना रही हैं। बाहर के देशों में हर लड़के लड़कियों के संबंधों में काफ़ी आज़ादी दी जाती है, लेकिन इसके कारण उन देशों में तलाकों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता कुछ अलग है। यहाँ शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, इसलिए यहाँ पर यह रिश्ता सिर्फ सेक्स संबंधों पर ही आधारित नहीं हो सकता है। इसलिए किशोरियों को कच्ची उम्र में शारीरिक संबंधों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका एक कदम उनकी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। इसलिए लड़कों के साथ घूमते समय जब उनके सामने शारीरिक संबंध बनाने की बात आए तो उनको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यह संबंध बनाने से हानि लड़के को नहीं होती बल्कि लड़की को ही होती है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।